मध्य प्रदेश विधानसभा में विदिशा जिले के सिरोंज में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में हुए सैकड़ों रुपए के घोटालों का प्रश्न उठा था। वर्तमान विधायक उमाकांत शर्मा ने इस घोटाले में दोषी पाए गए अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। इसी संदर्भ में आज सिरोंज में कांग्रेस नेता सुरेंद्र रघुवंशी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया और जनपद सीईओ को हटाने की मांग की गई। जनपद सीईओ हाय हाय के नारे लगाए गए। वहीं सिरोंज विधानसभा के ग्राम पंचायत चौड़ा खेड़ी के हितग्राहियों और पंचायत सचिव का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें हितग्राही को कन्यादान योजना का लाभ लाने की बात कही जा रही है। सिरोंज से नरेंद्र रघुवंशी की रिपोर्ट। अभी कुछ दिन पहले एक मुद्दा मध्य प्रदेश की विधानसभा में 3 दिन पहले उठा था और पूरे प्रदेश ने देखा है कि यहाँ पर सिरोंज जनपद के अंतर्गत तकरीबन 6,000 शादियाँ ऐसी हुई हैं कि जिनके 51,000 रुपये की बंदरबांट हुई है। जो सही हितग्राही थे उनको पैसा नहीं मिला है और भाजपा की सरकार में चारों ओर लूट मची हुई है, शिवराज की सरकार में चारों ओर लूट मची हुई है। हमारे साथ एक हितग्राही आज यहाँ मौजूद हैं, राजू प्रजापति। इनकी बहन के नाम पर, इनकी बहन की शादी के नाम पर 51,000 रुपये निकलवाने के नाम पर इनकी पंचायत के सचिव वीर सिंह अहिरवार द्वारा 10,000 रुपये लिए गए और फ़ोन पर ऑडियो में जो मैंने सभी पत्रकार बंधुओं को भेजी है उसमें आप सरेआम सुन सकते हैं कि 10,000 में से 9,000 रुपये उनने यहाँ पर पदस्थ जो जनपद के सीईओ महोदय हैं उनको दिए हैं और 1,000 रुपया खुद रखा है। लेकिन उसके बाद भी आज तकरीबन 5 महीने होने को हैं, इस व्यक्ति को 51,000 रुपये अभी तक इसके खाते में नहीं आए और जब भी ये आता है तो इसको घुमा दिया जाता है कि कुछ दिन बाद आपके पैसे खाते में डल जाएंगे। ऐसे गरीब लोगों से बच्चियों की, बहन बेटियों की शादी के नाम पर वसूली की जा रही है। सर मानी चाहिए यहाँ पर बैठे हुए अधिकारियों को, इतने बेशर्म हो चुके हैं कि आज हम ये बेशर्म के पौधे लेकर, बेशर्म के फूल लेकर उनके दरवाजे पर आए हैं, परंतु कोई भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। इन लोगों से जो पैसे लिए गए वो तत्काल वापस किए जाएं और योजना का लाभ इनको दिलाया जाए। योजना का लाभ अगर इनको नहीं मिलता है और अगर इनके रिश्वत में लिए गए पैसे वापस नहीं किए जाते हैं तो इन अधिकारी कर्मचारियों का नाली के कीचड़ से मुँह काला किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी सिरोंज प्रशासन की रहेगी क्योंकि बहन बेटियों के नाम पर इनने जो वसूली और लूट मचा रखी है ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या नाम है अपना? राजू प्रजापति। क्या हो गया सर? मैंने बहन की शादी करी थी, शादी पे पैसे मतलब फार्म जमा करा था यहाँ पर सेक्रेटरी साहब को, कर्म कार्ड मंडल का। उन्होंने मुझसे 10,000 रुपये मांगे कि ले सीईओ साहब को चाहिए, सीईओ साहब को देनी पड़ेगी जब जाके तुम्हारा फार्म मंजूर होगा यहाँ से। सब नहीं हुआ सर, 5 महीने हो गए, 10,000 रुपये दिए, पैसे मांगते हैं तो पैसे भी वापस नहीं करते और जो कहते हैं हो जाएगा। वीर सिंह अहिरवार सेक्रेटरी को सचिव पंचायत सचिव है हमारा। अभी फोन आया था किसी का तुम्हारे पास? जब आया था उसी का आया था सर, वीर सिंह सेक्रेटरी का। क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि आप पैसे वापस ले लो आपके। क्या कह रहा था? पत्रकारों को मत बताओ। पत्रकारों को मत बताओ कल ले। जी सर, जी अब आप क्या चाहते हो? सर कुछ भी नहीं चाहता, मुझे जो लाभ मिलने चाहिए वो लाभ मिले। आज 5 महीने इस परेशान हो रहा है। तुम्हारे गांव में और भी ऐसे केस हैं क्या? रिश्वत ले ली कई लोगों से? हाँ जी सर, पंचायत में बहुत से ऐसे केस हैं, पंचायत के और भी केस हैं इनके पास, कहते हैं अभी किसी का नहीं हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।